गुड मॉर्निंग ऑल ऑल आर हियर। यस शैल वी स्टार्ट विद द लेक्चर। यस मैम। ओके नाउ इन अ प्रीवियस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज देयर लैटेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय लैटेंसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ इज देयर। ओके, उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। लैटेंसी इज द टाइम फ्रॉम द इश्यू ऑफ मेमोरी रिक्वेस्ट टू द टाइम द डेटा इज अवेलेबल एट द प्रोसेसर। कब वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इश्यू होगी एंड कब वो प्रोसेसर को जाएगी, उन दोनों के बीच का टाइम मतलब आपका लैटेंसी काउंट होता है। ठीक है, और बैंडविड्थ क्या काउंट होता है कि कौन से रेट से तुम लोग डेटा भेज रहे हो या फिर पंप कर रहे हो प्रोसेसर को प्रोसेसिंग के लिए। दैट वी कैन से इट इज ऑल अबाउट द बैंडविड्थ इज देयर। ओके, फिर नेक्स्ट है कि इफ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द व्हाट इज देयर लैटेंसी और मेमोरी लैटेंसी। ठीक है, तो देयर आर सम टाइप्स आर देयर। तो फर्स्ट है यूजिंग कैशे, कैशे मेमोरी। हाउ टू इम्प्रूव द मेमोरी लैटेंसी यूजिंग कैशे इज देयर। ठीक है, कैशे मेमोरी कहाँ पे रहती है? व्हाट इज देयर द कैशे मेमोरी? इट इज इन बिटवीन व्हाट इज देयर वी कैन से द प्रोसेसर एंड द डी रैम। ओके, डी रैम मतलब ही मेन मेमोरी पार्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में तुम्हारी कैशे मेमोरी इंस्टॉल रहती है। एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू इंस्टॉल द कैशे मेमोरी? टू इंप्रूव द स्पीड, है ना। जैसे प्रोसेसर की स्पीड हमेशा ज्यादा रहती है, उसके बाद जो इंटरनल रजिस्टर रहते हैं उसकी भी स्पीड ज्यादा रहती है, तो प्रोसेसर इंटरनल रजिस्टर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, मतलब उनकी स्पीड सिंक्रोनाइज हो सकती है। बट अगर हम लोग यही चीज मेमोरी के रिलेटेड देखें, सेकेंडरी पार्ट ऑफ मेमोरी, तो वहां पे स्पीड सेकेंडरी मेमोरी की कम रहती है। अगर मुझे कोई डेटा फेच करना है फ्रॉम द सेकेंडरी पार्ट टू द मेन मेमोरी पार्ट, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो यही टाइम को इम्प्रूव करने के लिए और एक मेमोरी हम लोग मतलब एड हो हुई है इन बिटवीन योर प्रोसेसर एंड द डी रैम, दैट इज योर कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी की स्पीड जो है वो क्या करती है, इट इज इंक्रीज और टू सिंक्रोनाइज विद द प्रोसेसर। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इन्वॉल्व व्हाट इज दैट कैशे मेमोरी पार्ट। ओके, नाउ दिस मेमोरी एक्ट एज अ लो लैटेंसी एंड हाई बैंडविड्थ स्टोरेज। इट इज व्हाट? लो लैटेंसी एंड हाई बैंडविड्थ स्टोरेज, मतलब जो कम टाइम है टू इश्यू द इंस्ट्रक्शन एंड गिवन टू द प्रोसेसर फॉर द एग्जीक्यूशन, वो टाइम हमेशा कम रहेगा एंड बैंडविड्थ हाई रहेगी। बैंडविड्थ हाई रहेगी मतलब क्या, स्पीडीली डेटा जाएगा। ओके, तो सिंक्रोनाइज होगा डेटा। जैसे हम लोग जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं आउटसाइड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आउटसाइड, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, अगेन यू कैन से द प्रिंटर इज देयर, उनकी स्पीड कम रहती है देन द प्रोसेसिंग स्पीड। एंड फॉर दिस पर्पज वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट इज देयर, बफर इज देयर। ये सुन लो, इनपुट के बाद जो भी इनपुट से डेटा जाता है वो बफर में स्टोर होता है और बफर से प्रोसेसर वो डेटा लेता है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज और यू कैन से प्रोसेसिंग पर्पज के लिए। ओके, ये क्यों सारी चीजें करते हैं? क्योंकि इस प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा है देन योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, देन योर रिसोर्सेस, अदर द रिसोर्सेस सच एज द मेमोरी पार्ट इज देयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर देयर, ये सबसे प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा रहती है। ओके, एंड फॉर दिस पर्पस वी आर पुटिंग व्हाट, कैश मेमोरी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इफ द पीस ऑफ डेटा इज रिपीटेडली यूज, पीस ऑफ डेटा इज रिपीटेडली यूज, द इफेक्टिव लैटेंसी ऑफ दिस मेमोरी सिस्टम कैन बी रिड्यूस बाय द कैशे, है ना। क्योंकि कैशे का काम वही है, जो भी आपके पेजेस लगने वाले हैं, बहुत सारे पेजेस हम लोगों को मेमोरी में लगते हैं प्रोसेसिंग पर्पज के लिए, तो कैशे क्या करता है, उनको टेम्परेरीली स्टोर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर इज लुकिंग फॉर द कैशे, वेदर द पर्टिकुलर डेटा इज प्रेजेंट इन कैशे और नॉट। ओके, ये होने के बाद फिर प्रोसेसर क्या करता है, उसके ऊपर अगर इफ द डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन अ कैशे मेमोरी देन इट विल सर्च फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मेमोरी, है ना। ये सुनो, सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड व्हाट इज इट, अगर मैं कैशे यूज करती हूँ तो मेमोरी लेटेंसी कैसे क्या इंप्रूव होती है, कैसे क्या मेमोरी लेटेंसी इंप्रूव होती है और यू कैन से लो होती है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ कैशे मेमोरी एंड वी कैन यूज दैट पेज।
दिस कैन रिड्यूस बाय योर कैश मेमोरी. ओके द नेक्स्ट इज व्हाट, द फ्रैक्शन ऑफ द डेटा रेफरेंस सेटिस्फाइड बाय द कैश इज कॉल्ड व्हाट, कैश हिट. ओके वॉट एवर द डेटा, ये हम लोगों ने पेज हिट पेज मिस ये चीजें पढ़ी है प्रीवियसली. पेज हिट मतलब क्या, इफ द डेटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मेमोरी, है ना. अब मेमोरी मतलब क्या, एक तो मेन मेमोरी में सर्च करेंगे या फिर कैश मेमोरी में सर्च करेंगे. तो पहला प्रेफरेंस प्रोसेसर का किसके तरफ जाता है, कैश मेमोरी की तरफ. वी विल चेक वेदर वट एवर द डेटा रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर वेदर दैट डेटा इज प्रेजेंट इन अ कैश मेमोरी और नॉट, बिकॉज उसकी स्पीड ज्यादा रहती है और वो इन बिटवीन रहता है मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में. ओके एंड उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश हिट बोलते हैं, ऑफ द कंप्यूटेशन ऑन द सिस्टम. द कैश हिट रेशियो अचीव बाय अ कोड ऑन अ मेमोरी सिस्टम ऑफन डिटरमाइंस इट्स परफॉर्मेंस, इट डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. ठीक है, जितने कैश हिट ज्यादा रहेंगे मतलब क्या, परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज होगा, जो भी सिस्टम या फिर प्रोसेसर का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगा. ओके नाउ अगर यही चीज एग्जाम्पल वाइज अगर देखें तो वी हैड ओ ऑफ एन स्क्वेयर डेटा एक्सेस, ठीक है, एंड ओ ऑफ एन क्यूब एज अ कंप्यूटेशन स्पीड. ठीक है, तो वॉट इज द इम्पैक्ट अगर मैं एग्जाम्पल के साथ उसको लेती हूँ, तो अगर मैं डेटा वाइज अगर देखना चाहती हूँ तो इट इज हैविंग द असिम्प्टोटिक नोटेशन दैट इज ओ ऑफ एन स्क्वेयर टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द कैश मेमोरी. एंड कंप्यूटेशनल वाइज देती हूँ मतलब ही कैलकुलेशन प्रोसेसिंग वाइज देखती हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या है, वॉट इज द फॉर्मूला, ओ ऑफ एन क्यूब. ठीक है, दिस इज वॉट द असिम्प्टोटिक नोटेशन देयर टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कैश मेमोरी. ओके डेटा रीयूज इज अ क्रिटिकल फॉर द कैश परफॉर्मेंस. ओके नाउ नेक्स्ट इज ऑन वी कैन से इन टर्म्स ऑफ द बैंडविड्थ, इम्पैक्ट ऑफ मेमोरी बैंडविड्थ. ओके सो वॉट इज द इम्पैक्ट, द मेमोरी बैंडविड्थ इज डिटरमाइंड बाय द बैंडविड्थ ऑफ द मेमोरी बस एज वेल एज द मेमोरी यूनिट. ओके नाउ ये आप लोगों को बताया इंटरनली प्रोसेसर में वी आर हैविंग द वेरियस बसेस आर देयर, है ना. बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ बसेस, कौन से बसेस रहते हैं, कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ द बसेस, कौन से बस रहते हैं, एनीवन, अकीब, चैताली, दानिश, प्रेरणा, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ बसेस देयर इन अ प्रोसेसर, किसी को नहीं पता. This is not expected from you people. अभी final year में आए हो तुम लोग. Data bus, correct. सौरभ प्रकाश data bus. और दो bus. Address bus, correct. और एक रहेगी control bus, correct. So we are having these three types of buses. So memory bandwidth मतलब क्या? Memory bandwidth मतलब क्या? कितने स्पीड से डेटा हम लोग पंप कर रहे हैं या फिर स्पीडली डेटा प्रोसेस प्रोसेसर जो है एक्सेस कर रहे हैं, है ना. तो मेमोरी बैंडविड्थ इज डिटरमाइंड बाय द बैंडविड्थ ऑफ द मेमोरी बस एज वेल एज द मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट की कैपेसिटी क्या है एंड किसकी कैपेसिटी क्या है, तुम्हारी बस की कैपेसिटी क्या है, 32 बिट का बस है या फिर 64 बिट का बस है, 16 बिट का बस है, उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी स्पीड जो है बैंडविड्थ जो है वो वैरी होगी. ओके उसके बाद मेमोरी बैंडविड्थ कैन बी इंप्रूव बाय इंक्रीजिंग व्हाट इज देयर, बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक. वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द मेमोरी बैंडविड्थ, किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, अगर मैं मेमोरी ब्लॉक की ही साइज इंक्रीज करूं तो. ठीक है नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इट, द अंडरलाइन सिस्टम टेक्स एल टाइम यूनिट वेयर एल इज व्हाट इज देयर लैटेंसी ऑफ द सिस्टम टू बी डिलीवर B unit of data, where B is what? Block of data or block size. Block of data कह सकते हो या फिर block size कह सकते हो. ठीक है, so we can specify, उसको एक नाम दिया है, L is what? Latency. Okay, and what is B? B is the unit of the data. Particular block से कितने unit of data आप लोग भेज रहे हो processor को processing करने के लिए. ठीक है, now next is what is there? अगर यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज बैंडविड्थ को एक्सप्लेन किया है, इम्पैक्ट ऑफ मेमोरी बैंडविड्थ. ओके
दिस इज द एग्जाम्पल कंसिडरिंग द कोड फ्रेगमेंट्स देयर वी आर हैविंग आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 1000, ठीक है, मतलब टोटल हम लोग 1000 डेटा को प्रोसेस करने वाले हैं. नाउ हियर व्हाट इज देयर, कॉलम सम ले रहे, ठीक है, वी आर डूइंग द कॉलम सम देयर. ओके, ये दो टाइप से कर सकते हैं. 1000 जो डेटा है उसको हम लोगों को क्या करना है, सम करनी है, तो वी कैन यूज टू वेज, एक तो कॉलम वाइज कर सकते हैं या फिर रो वाइज कर सकते हैं. ओके, दोनों में से देखेंगे, दोनों में से करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर बैंडविड्थ और यू कैन से मेमोरी का इफेक्ट जो है उसका परफॉर्मेंस अलग अलग होगा, मेमोरी बैंडविड्थ परफॉर्मेंस अलग अलग होगा व्हेन वी आर एडिंग द डेटा रो वाइज या फिर कॉलम वाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द कॉलम वाइज देयर, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक फॉर लूप लगाया है, यू कैन सी द फॉर लूप, एंड सम ऑफ आई को 0 इंडिकेट किया. उसके बाद अगेन दूसरा फॉर लूप लगाया है, जे इक्वल्स टू 0 टू लेस देन 1000, एंड व्हाट वी आर डूइंग, सम ऑफ आई व्हिच प्लस इक्वल्स टू बी ऑफ आई जे, ठीक है, और एक वेक्टर लिया दैट इज बी, और बी को क्या इंडिकेट किया, दैट इज आई जे, मतलब हम लोग एक उसको अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो इस तरीके से होगा, दिस इज योर ए ए डेटा, सी हियर व्हाट इज इट, द वेक्टर कॉलम सम इज स्मॉल एंड इजीली फिट इनटू द कैशे, द मैट्रिक्स बी इज एक्सेस इन अ कॉलम, इन अ कॉलम ऑर्डर, ठीक है. नाउ हियर यू कैन से दिस इज व्हाट ए ए मैट्रिक्स इज देयर एंड दिस इज व्हाट बी मैट्रिक्स इज देयर. अगर आई वांट टू ऐड ए विद द बी, ठीक है, कॉलम वाइज, वी कैन से कॉलम वाइज, तो हाउ वी गेट, सी दिस रो, ये शेडेड पोर्शन देखो, ये शेडेड पोर्शन इसके साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर सेकंड रो ली है उसने, और फिर सेकंड रो उसके साथ कंबाइन हो रही, फिर से प्लस है, फिर से थर्ड रो है, एंड सो ऑन अप टू फोर्थ रो. ओके, फोर्थ रो और बी वेक्टर, और इनका कंबाइन करके मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिला, ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन से द कॉलम मेजर डेटा एक्सेस, जो हम लोगों ने अबव एग्जांपल पे देखा. सो इट विल मल्टीप्लाई, व्हाट इज दैट, यू कैन से मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद अ वेक्टर, अ डायग्राम ए इंडिकेट व्हाट इज देयर, मल्टीप्लाइंग द कॉलम बाय कॉलम कीपिंग द रनिंग सम, ठीक है, रनिंग सम कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, एक तीसरा मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है वो सिर्फ कॉलम वाइज ही रहेगा, उसमें हम लोग सम रख रहे हैं, और सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस करके. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट द मेजर डेटा, रो डेटा, अब यहाँ पे रो डेटा है, दो जो सेकेंड फिगर है, ठीक है, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे फर्स्ट रो ली, और उसके बाद व्हाट इज वी हैव इंडिकेट, पूरा का पूरा बी कॉलम लिया, ठीक है, उनको कंबाइन करके फिर पहले वाले इसमें हम लोगों का रिजल्ट आया. नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टेप में क्या लिया है, सेकेंड रो पूरा का पूरा बी रो, एंड वी आर हैविंग द नेक्स्ट रिजल्ट. ओके, सिमिलरली थर्ड एंड सिमिलरली फोर्थ, इस अकॉर्डिंगली सारे हम लोगों को लास्ट में रिजल्ट मिले, सी दिस वन, दिस कॉलम. ओके, सो दिस इज व्हाट कंप्यूटेशनली कंप्यूटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द रिजल्ट एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ रो ऑफ मैट्रिक्स विथ अ वेक्टर. नाउ अगर उसी को मैं किसमें लिखने जाती हूं, इफ आई एम डूइंग दिस वन, नाउ सपोज वी नीड टू व्हाट इज देयर, सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगा, मेमोरी सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगा, तो हाउ इट विल इंक्रीज विद द फॉलोइंग कंसेप्ट, व्हाट इज देयर, एक्सप्लॉइटिंग द स्पैटियल एंड टेम्पररी लोकेलिटी इन द एप्लीकेशन इन क्रिटिकल अमॉर्टाइज मेमोरी लेटेंसी एंड इंक्रीज द इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ, ठीक है, जो स्पैटियल एंड टेम्पररी लोकेलिटी है उसके लिए एक और क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, वी विल सी द एग्जाम्पल इन नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लॉइटिंग एंड द स्पैटियल ऑफ द टेम्पररी लोकेलिटी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सिस्टम परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज यूजिंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेशन टू द नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ अ एंटी
टॉलरेंस ऑफ द मेमोरी बैंडविड्थ. नेक्स्ट इज व्हाट, मेमोरी लेआउट एंड ऑर्गेनाइज द कंप्यूटेशनल अप्रोप्रिएट कैन मेक अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द स्पेटल एंड द टेम्पररी लोकेलिटी. ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस वन वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वॉट इज देयर. सपोज आई वॉन्ट टू डील विद द वेब ब्राउजिंग देयर. ठीक है, वेब ब्राउजिंग करना है मुझे. ठीक है, अब वेब ब्राउजिंग में यू कैन अज्यूमिंग दैट द नेटवर्क जो भी है तुम्हारा वो स्लो है. ठीक है, इट इज वेरी वेरी स्लो. तो हम लोग कितने वे से उसको एक्सेस कर सकते. देर आर थ्री वेज टू एक्सेस अ पर्टिकुलर डेटा. फर्स्ट इज वॉट, पॉसिबल थ्री वेज है टू एक्सेस और यू कैन डील विद द स्लो नेटवर्क कनेक्शन. टू अंडरस्टैंड वॉट इज दैट मेमोरी लेटेंसी, ओके, एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. तो फर्स्ट क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, वी एंटिसिपेटेड एंटिसिपेटेड विच पेज वी आर गोइंग टू बी ब्राउज अहेड ऑफ द टाइम एंड इश्यू द रिक्वेस्ट फॉर देम इन एडवांस. ठीक है, हम क्या करेंगे कि पेजेस जो है वो डाउनलोड करके रखेंगे. ठीक है, एंड या फिर एक एक पेज एक्सेस करेंगे जो हम लोगों को चाहिए और उसको रीड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि हम लोग सारे पेजेस साइमल्टेनियसली ओपन करके रखेंगे. ठीक है, वी कैन ओपन द पेजेस साइमल्टेनियसली और जो पेजेस हम लोगों को लगेंगे वो पेज को हम लोग रीड करेंगे और अदर को कहेंगे कि तुम लोग वेट, मतलब अदर जो पेज है वो लोड होते रहेंगे तब तक. ठीक है, तो दिस इज द अनदर वे. ठीक है, नाउ लास्ट वे वे इज व्हाट, वी एक्सेस अ होल बंच ऑफ द पेजेस इन वन गो, अमोर्टाइजिंग द लैटेंसी अक्रॉस अ वेरियस एक्सेस. दूसरा एक तरीका है कि हम लोग पूरे के पूरे पेजेस एक साथ ओपन करके रखेंगे और ओपनली एक साथ पेजेस रीड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट जो है इट इज कॉल्ड द प्रीफेचिंग. फर्स्ट वे इज कॉल्ड व्हाट इज देयर, प्रीफेचिंग. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रीफेच क्या कर रहे हैं, हम लोग जो पेज लग रहा है उसको प्रीफेच करके रख रहे हैं, उसको पूरा लोड होने दे रहे हैं एंड आफ्टर वी आर गोइंग टू रीड दैट पेज. ओके, इट्स लाइक ओवर ब्राउजिंग जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, है ना. सपोज मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ और मुझे ब्राउजिंग करना है, तो यहाँ पे एक पेज ओपन करके रखा, दूसरा पेज ओपन करके रखा, तीसरा पेज ओपन करके रखा. अब साइमल्टेनियसली अगर मेरा नेटवर्क स्लो होगा तो क्या होगा, तीनों पेज साइमल्टेनियसली लोड हो सकते हैं. तो ये साइमल्टेनियसली अगर करेंगे, दिस इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्मेंस. ठीक है, एंड पहला वाला जो है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ सपोज एक ही मैंने न्यू टैब ओपन करके रखा है, तो वी कैन से इट इज व्हाट, प्रीफेचिंग. तो इसके ऊपर जो भी हम लोग www.google.com या फिर जो भी सर्च करेंगे तो हम लोग उसको कहेंगे लोड होने का होने देंगे एंड आफ्टर दैट वी विल रीड दैट कंटेंट. तो दिस इज कॉल्ड द प्रीफेचिंग. ठीक है, बट अगर मैंने साइमल्टेनियसली ओपन करके रखा है तो दैट इज वी कैन से इट इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग. बट इन दिस केस व्हाट इज देयर कि हम लोग एक पेज का डेटा लोड होने दे रहे हैं, वो रीड कर रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली दूसरे पेज का डेटा भी लोड हो रहा है, तीसरे पेज का भी डेटा लोड हो रहा है. ठीक है, बट थर्ड जो केस है उसमें क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली सारे पेजेस ओपन करके रखे, बंच बंच में डेटा ओपन करके रखे और बंच में तुम लोग डेटा रीड करना चाहते हो. तो दिस इज व्हाट द थर्ड वे. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच इज कॉल्ड द प्रीफेचिंग, सेकेंड अप्रोच इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग एंड थर्ड वन करस्पॉन्डिंग टू द स्पैटल लोकेलिटी इन एक्सेसिंग द मेमरी वर्ड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्पैटल लोकेलिटी इन एक्सेसिंग द मेमरी वर्ड. मतलब यू कैन एक्सेस द डेटा इन अ बंच, इन वन बंच, है ना, और एक साथ. ठीक है, सो दिस इज व्हाट अल्टरनेटिव अप्रोच फॉर हाइडिंग द मेमरी लैटेंसी. और यू कैन से हियर वी हैव टेकन द वन एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड द वेब ब्राउजिंग विद द स्लो नेटवर्क कनेक्शन टू अंडरस्टैंड द मेमरी लैटेंसी. ओके, now next is what is there, we can say iski zarurat hai. So explicit parallel platform is there. Next topic is what, explicit parallel platforms are there. Okay, now here you have to understand this dichotomy of the parallel computing programs. Okay, so what is this, an explicit parallel program must specify the concurrency and the interaction between the concurrent tasks. ठीक है, what do you mean by concurrency, कि हम लोगों को simultaneously tasks perform करने हैं या फिर simultaneously processing करना है. ठीक
क्लियर दिस वन? तो एक्सप्लिसिट पैरेलल प्रोग्राम मस्ट स्पेसिफाई व्हाट इज देयर, दिस थिंग यू हैव टू स्पेसिफाई, दैट इज कॉन्करेंसी. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्करेंट सबस्टैक्स. कॉन्करेंसी भी देखनी है, मतलब साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम की नहीं, ये भी देखना है हम लोगों को. और दूसरा जो है वो क्या देखना है हम लोगों को, वी नीड टू हैव व्हाट इज देयर इंटरेक्शन, और वी कैन से द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कॉन्करेंट प्रोसेस और या फिर मल्टीपल कॉन्करेंट प्रोसेस. ओके, और वो प्रोसेस कौन से है? एक आपका सबटास्क भी हो सकता है या फिर मेन प्रोसेस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है. ठीक है, द फॉर्मर इज समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज द कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लैटर एज द कम्युनिकेशन मॉडल. फॉर्मरली वी कैन से इट इज कॉल्ड द कंट्रोल स्ट्रक्चर और लैटर वी कैन से इट इज व्हाट वी कैन से द कम्युनिकेशन मॉडल इज देयर. ठीक है, नाउ कंट्रोल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये दो टाइप्स के हैं. कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन से टाइप का है वो हम लोग देखेंगे पहले, द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल प्रोग्राम. ओके, नाउ पैरेललिज्म कैन एक्सप्रेस एट द वेरियस लेवल ऑफ ग्रेनुलरिटी फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन लेवल टू प्रोसेसेस. ठीक है, सेकेंड, बिटवीन दिस एक्सट्रीम एग्जिट द रेंज ऑफ मॉडल अलोंग विद द करस्पॉन्डिंग आर्किटेक्चर सपोर्ट. ठीक है, तो आर्किटेक्चर दो टाइप्स के हैं. कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ पैरेललिज्म में देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर जो हम लोगों ने मैंने कल तुम लोगों को एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल बताया था, है ना? व्हाट इज इट, क्या है SIMD, मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय SIMD? जो कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल प्रोग्राम है वो दो वे से हैंडल हो सकते हैं. तो फर्स्ट इज व्हाट SIMD, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय SIMD एंड व्हाट डू यू मीन बाय MIMD? हम लोगों ने कल के ही प्रैक्टिकल में देखा था उसका डेफिनेशन. यस और नो, यस और नो, व्हाट इज दिस? सिंगल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा, उसको एग्जाम्पल के साथ कल मैंने एक्सप्लेन किया था. यस और नो, है ना? यस नो कुछ बोलते जाओ. ज्योति, नम्रता, नियति, स्वर्णिम. यस मैम, नाउ द प्रोसेसिंग यूनिट इन अ पैरेलल कंप्यूटर आइदर ऑपरेट अंडर द सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ अ सिंगल कंट्रोल यूनिट और द वर्क इंडिपेंडेंटली. ओके, इफ देयर इज अ सिंगल कंट्रोल यूनिट दैट डिस्पैच द सेम इंस्ट्रक्शन टू द वेरियस प्रोसेसर. ठीक है, व्हाट इज देयर? सिंगल कंट्रोल यूनिट दैट डिस्पैच द सेम इंस्ट्रक्शन टू व्हाट इज देयर? वेरियस प्रोसेसर. कंट्रोल यूनिट सेम है बट प्रोसेसर अलग अलग है. दैट वर्क ऑन अ डिफरेंट डेटा. ठीक है, तो वी कैन से द मॉडल इज रेफर टू एज सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा, और यू कैन से सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा. इसमें कंट्रोल यूनिट एक ही है बट आपके जो प्रोसेसर है वो अलग अलग है, वेरियस प्रोसेसर आर दे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज देयर? इफ ईच डेटा प्रोसेस हैज इट ओन कंट्रोल यूनिट एंड ईच प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ऑन डिफरेंट डेटा आइटम, दिस मॉडल इज रेफर टू एज व्हाट इज देयर? कैन से मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, है ना, विद द मल्टीपल डेटा. अब इसको और प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे डायग्राम है मेरे पास, सो वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड. डायग्राम इज देयर, इस डायग्राम इज क्लियर टू यू? व्हाट इज दिस? इट इज हैविंग अ ग्लोबल सेंट्रल यूनिट. तो फर्स्ट इज व्हाट? SIMD स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन वी कैन से इट इज अ MIMD प्रोसेसर इज देयर. ओके, सो व्हाट इज दिस? इट इज हैविंग द कंट्रोल यूनिट. ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर रहता है, प्रोसेसर है ना, तो प्रोसेसर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इज देयर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और उसके साथ एक कंट्रोल यूनिट रहता है. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट विल मैनेज ऑल द यूनिट्स सच एज डेटा बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, मेमोरी ब्लॉक हो गया, इन सबको कंट्रोल करता है. और किस तरीके से कंट्रोल करता है? यूजिंग द कंट्रोल सिग्नल.
yes or no? Similarly, if we are talking about what is the SIMD structure, that is single instruction and multiple data, so we are having what? One global control unit, which is used to handle what is this PE? अलग अलग प्रोसेसर हम लोग कहेंगे, ठीक है, प्रोसेसर इन एग्जीक्यूशन, प्रोसेसर इन एग्जीक्यूशन, सो पीई पीई है ना, अलग अलग प्रोसेसर, एंड दिस इज गिवन टू द इन इंटर कनेक्शन नेटवर्क, ठीक है, इंटर कनेक्शन नेटवर्क, इंटर कनेक्शन नेटवर्क मतलब क्या, बसेस, ओके। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट एमआईएमडी, एमआईएमडी में हर एक जो भी कंट्रोल यूनिट है वो हर प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे भी अलग अलग प्रोसेसर है बट उनको हैंडल अलग अलग कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट एंड प्रोसेसर इज इन वन पार्ट, अगेन कंट्रोल यूनिट है एंड द प्रोसेसर इज इन अदर पार्ट एंड सो ऑन, ऐसे कितने भी प्रोसेसर रहते रहते, दैट्स व्हाई हम लोग कहेंगे ना इट इज व्हाट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा, मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी अलग अलग है जो अलग अलग प्रोसेसर को जाएगी एग्जीक्यूशन करने के लिए, और डेटा भी अलग अलग है, हर इंस्ट्रक्शन के साथ डेटा भी अलग अलग है, एंड दिस इज कनेक्टेड विद द इंटरकनेक्शन नेटवर्क, इंटरकनेक्शन व्हाट इज देयर, इंटरकनेक्शन नेटवर्क, इंटरकनेक्शन नेटवर्क मतलब आपके बसेस वगैरह है ना, सो दिस इज अबाउट व्हाट एसआईएमडी एंड एमआईएमडी आर्किटेक्चर, ओके। नाउ एसआईएमडी प्रोसेसर, उसमें एक अभी यहाँ पे एग्जांपल दिए, सम ऑफ द अर्लीस्ट पैरेलल कंप्यूटर सच एज इलाक आई फोर्थ नंबर का, ओके, एमपीपी डैट, ये सारे प्रोसेसर बिलोंग टू द क्लास ऑफ द मशीन, मतलब ये सारे किसके रिलेटेड है, तुम्हारे एसआईएमडी स्ट्रक्चर के रिलेटेड, ओके। उसके बाद वेरिएंट ऑफ दिस कंसेप्ट हैव फोकस यूज इन अ को प्रोसेसिंग यूनिट सच एज एमएएक्स यूनिट एंड इंटेल प्रोसेस डीएसपी चिप्स सच एज द सार्क। अब यहाँ पे उसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर बताएं कि एसआईएमडी में कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं, ठीक है। नाउ एसआईएमडी रिलाइज ऑन द रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटेशन सच एज दोज इन अ इमेज प्रोसेसिंग डे, ठीक है, अगर हम लोग एसआईएमडी स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो वी कैन यूज व्हाट इज देयर इमेज प्रोसेसिंग, एक एग्जांपल के साथ बताया कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए एसआईएमडी स्ट्रक्चर तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए एसआईएमडी स्ट्रक्चर यू कैन यूज, इट इज ऑफन नेसेसरी टू सिलेक्टिवली टर्न ऑफ द ऑपरेशन ऑन सर्टेन रीजन, मोस्ट एसआईएमडी प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स अलाउज फॉर द एक्टिविटी टास्क, किसके ऊपर फोकस करता है वो, ओनली एक्टिविटीज का, विच डिटरमाइन इफ द प्रोसेसर शुड पार्टिसिपेट इन कंपटीशन और नॉट, ठीक है, कौन से करंट एक्टिव टास्क है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है एसआईएमडी प्रोसेसर में, ठीक है। ये एग्जांपल दिए हैं, ये उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कौन से चिप्स यूज होते हैं वो दिया है, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एसआईएमडी का, सपोज आई वॉन्ट टू यूज वॉट इमेज प्रोसेसिंग एग्जाम्पल, तो इमेज प्रोसेसिंग के लिए यू कैन यूज द एसआईएमडी स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में बोला है कि इफ यू आर यूजिंग द एसआईएमडी प्रोग्रामिंग पैराडिगम तो इट विल मोस्टली फोकस ऑन द व्हाट आर द एक्टिव टास्क आर देयर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक कंडीशन दी है, कंडीशन एग्जीक्यूशन इन एसआईएमडी प्रोसेसर, कैसे किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है पॉसिबली विथ एग्जाम्पल यहाँ पे बताए, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखो, इफ व्हाट इज देयर, इज दिस इज क्लियर टू यू, ये दिख रहा है क्या सबको, क्योंकि साइज छोटी है कि इंक्रीज करूं साइज, वेदर इट इज विजिबल टू ऑल, यस नो, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ रिप्लाई तो करो, दिख रहा है मैम, सब लोगों को, श्रुति, शशांक, सिनिन, फिर भी थोड़ा साइज इंक्रीज कर दियो इफ इट इज नॉट विजिबल, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, तुम्हारे साइड से भी साइज इंक्रीज करके देख सकते हो, जहां पे मेरा एरो जाता है ना तो तुम लोग साइज इंक्रीज करके देखो, व्हाट इज हियर, इफ बी इक्वस टू जीरो, एक एग्जांपल दिया है हम लोगों ने टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसआईएमडी प्रोसेसर, ओके। सो व्हाट इज दिस, इफ बी इक्वस टू जीरो कंडीशन है तो हम लोगों को क्या करना है, सी इक्वल
देना है, मतलब ए के जो कंटेंट है वो सी को असाइन करने हैं अल्टीमेटली, ठीक है। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है एल्स, तो हम लोग क्या करें, सी डिवाइड बाय सॉरी सी विच इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डिवीजन कर रहे हैं ए एंड बी का, और व्हाट एवर द रिजल्ट इज देयर वो सी में स्टोर कर रहे हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड व्हाट इज देयर इनिशियल वैल्यू हम लोग के पास रहती है, ठीक है। व्हाट द दिस प्रोसेसर इंडिकेट, ये प्रोसेसर का मतलब क्या है, एसआईएमडी का मतलब क्या बताया था, एसआईएमडी का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसआईएमडी, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा, ओके। सो इंस्ट्रक्शन हमारे पास एक ही है, ठीक है, वी आर हैविंग ओनली वन इंस्ट्रक्शन, बट डेटा मल्टीपल है। अब यहाँ पे देखो प्रोसेसर जीरो इज देयर, प्रोसेसर जीरो के साथ डेटा क्या है, 5 0 0, ओके। नाउ सेकंड इनिशियल वैल्यू देखो सबकी, वी आर हैविंग द व्हाट इज देयर फोर प्रोसेसर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3, ऑल आर दीज आर द प्रोसेसर जो कल मैंने इस तरीके से बताया था, है ना, टास्क मैनेजर में एक्सप्लेन किया था। दिस इज यू कैन से लॉजिकल प्रोसेसर, लॉजिकल प्रोसेसर, लॉजिकल प्रोसेसर एंड अगेन दीज आर द फोर प्रोसेसर। तो वी आर टेकिंग यहाँ पे साइमल्टेनियसली हम लोग लेंगे कि फोर प्रोसेसर है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सो इनिशियली हैविंग दिस ए बी एंड सी इज हैविंग व्हाट, 5 0 0, उसके बाद प्रोसेसर वन में डेटा है 4 2 0, यहाँ पे है 1 1 0 एंड यहाँ पे ए बी सी 0 0 0, ठीक है। नाउ हियर व्हाट वी नीड टू टेक, अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करती हूँ फर्स्ट प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेसर के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करती हूँ, तो व्हाट इज देयर, ए इक्वल्स टू व्हाट इज देयर, 5 आएगा, है ना। बी इक्वल्स टू 0 है क्या, तो पहले इसमें बी इक्वल्स टू 0 है फर्स्ट कंडीशन, वेदर इट इज प्रोसेसर जीरो पे देखो, यू कैन फोकस ऑन द प्रोसेसर जीरो, ठीक है। इन अ प्रोसेसर जीरो बी की वैल्यू क्या है, 0। नाउ वी आर गोइंग टू चेक बी इक्वल्स टू 0 है क्या, यस इट इज 0, है ना। तो मुझे क्या करना है, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ ए इज देयर वो सी को अप्लाई करनी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, क्या है ए की वैल्यू, कोई बता सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 44, श्रुति, स्मिता, स्वर्णिम, तेजल, दानिश, गौरव कुमार, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू पीपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हियर, सी एंड ए, कैन एनीवन, क्या किया है यहाँ पे, इनिशियली मैंने क्या एज्यूम करने के लिए कहा है, प्रोसेसर जीरो, प्रोसेसर जीरो में डेटा देखो क्या है, ठीक है, तो बी इक्वल्स टू 0 कंडीशन इज ट्रू, यस और नो, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है प्रोसेसर जीरो में, यस। नाउ सी इक्वल्स टू ए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, इट 5 इज 5, यस यस और नो, बिकॉज ए की वैल्यू क्या है, 5, तो सी की वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, 5। सो यू सी दैट द प्रोसेसर जीरो इज हैविंग द वैल्यू व्हाट इज देयर, 5 0 एंड 5 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ओके, यस और नो, ठीक है। नाउ ये केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों जो प्रोसेस है उसको आइडियल रख रहे हैं, ठीक है, आइडियल आइडियल। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, वी नीड टू कीप दिस प्रोसेसर नंबर 0 एंड प्रोसेसर नंबर 3 को आइडियल रखना है, ठीक है। नाउ हियर व्हाट इज देयर, टेक दिस इंस्ट्रक्शन दैट इज प्रोसेसर नंबर 1 एंड प्रोसेसर नंबर 2, ओके। अब यहाँ पे डेटा देखो 4 2 0 और यहाँ पे डेटा क्या है, 1 1 एंड 0, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे फिर से ये इंस्ट्रक्शन को लेती हूँ फॉर द प्रोसेसर नंबर 1, ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी विच इज इक्वल्स टू 0 है क्या, यस और नो, इन अ प्रोसेसर नंबर 1
फॉर द नेक्स्ट डे, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इट इज व्हाट? टू? टू इक्वल्स टू जीरो है क्या? नहीं, तो क्या एल्स एग्जीक्यूट होगा? एल्स पार्ट, व्हाट इज एल्स पार्ट? एल्स पार्ट क्या है? ए डिवाइड बाय टू. सो ए डिवाइड बाय टू क्या होगा? फोर डिवाइड बाय टू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डिवाइड बाय टू? इट इज द वैल्यू ऑफ टू, है ना? सो सी के वैल्यू क्या हो जाएगी अल्टीमेटली? टू. तो यहाँ पे देखो सी इक्वल्स टू टू हो गया, है ना? प्रोसेसर नंबर वन में देखो. ओके, नाउ इन प्रोसेसर टू, प्रोसेसर टू में देखो क्या हो रहा है. प्रोसेसर टू में क्या हो रहा है? अगर मैं बी की वैल्यू वन लेती हूँ, यहाँ पे बी इज वन, सो वी आर एज्यूमिंग दैट बी इक्वल्स टू वन है क्या? सॉरी, जीरो है क्या? नहीं, है ना? कंडीशन इज फॉल्स. तो व्हाट इज देयर? एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. सो ए डिवाइड बाय बी मतलब क्या? वन डिवाइड बाय वन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी इज व्हाट इज देयर? वन. सो नेक्स्ट स्टेप में देखो प्रोसेसर टू की वैल्यू क्या है? वन वन वन. सो सी इज हैविंग वैल्यू वन. ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर ए इज देयर, इट इज व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड सेकंड वन इज वी कैन से फिगर बी, वी कैन से द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन टू स्टेप्स. ठीक है, यहाँ पे टू स्टेप में हो रहा है. टू स्टेप में क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखो जब हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप देखा था, सो फर्स्ट इज व्हाट? इनिशियल लेवल, ये फर्स्ट वाला पार्ट, ओनली दिस पार्ट. ठीक है, ये जो रो है वही तुम लोगों को एज्यूम करनी है, दिस रो यू हैव टू एज्यूम. ओके, तो इनिशियल वैल्यू में बी इक्वल्स टू जीरो दो जगह पे है ना? बी इज हैविंग इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, सो कंडीशनल एग्जीक्यूशन इन एसआईएमडी प्रोसेसर, हियर वी कैन से दैट द बी इज हैविंग द जीरो जीरो वैल्यू. तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन ट्रू के लिए दो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होगी. कौन से प्रोसेसर में? ट्रू के लिए प्रोसेसर नंबर जीरो एंड प्रोसेसर नंबर थ्री. सो दैट्स व्हाई इन अ फर्स्ट स्टेप जब भी हमारा एसआईएमडी इंस्ट्रक्शन, एसआईएमडी प्रोसेसर ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है फॉर द ट्रू वैल्यू, तो इट इज एग्जीक्यूटिंग इन द टू प्रोसेसेस बिकॉज यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो है. ठीक है, प्रोसेसर नंबर जीरो में एंड प्रोसेसर नंबर थ्री में, तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी ये दोनों केस के लिए. तो ट्रू होते वक्त यहाँ पे हम लोगों ने ये जो बाकी प्रोसेसर है उसको आइडियल रखा. ओके, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉल्स कंडीशन, तो दो प्रोसेस जो है, जो प्रोसेसर नंबर जीरो एंड प्रोसेसर नंबर थ्री है, ये हमारे आइडियल रहेंगे वो केस में. एंड स्टेप टू में कौन से एग्जीक्यूट होंगे? दैट इज द प्रोसेसर वन एंड द प्रोसेसर टू. बिकॉज ये यहाँ पे प्रोसेसर वन एंड प्रोसेसर टू फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, है ना? क्योंकि फॉल्स आ रहा है. बी की वैल्यू यहाँ पे दो है इनिशियल कंडीशन, और यहाँ पे वन है. दोनों केस में वी कैन, अगर मैं चेक करती हूँ यहाँ पे ये कंडीशन, ये इंस्ट्रक्शन चेक करती हूँ, तो मेरी वैल्यू क्या आती है? फॉल्स. यस, सो दिस इज अबाउट, ऑल अबाउट द एसआईएमडी प्रोसेसर एग्जीक्यूशन. ठीक है, ये तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है, इस तरीके से तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है. जब भी एसआईएमडी प्रोसेसर बोलते हैं, राइट डाउन द एक्सप्लेन द एसआईएमडी प्रोसेसर. ठीक है, तो वो डायग्राम निकालनी है, एसआईएमडी प्रोसेसर क्या है वो बताना है, उसका डेफिनेशन पार्ट लिखना है, एंड उसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन लाइकवाइज. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है? ठीक है, एग्जाम्पल वाइज उसको एक्सप्लेन किया, दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन बट मल्टीपल डेटा, है ना? और पैरेललिज्म है. पैरेललिज्म है मतलब क्या? हम लोग अलग अलग प्रोसेसर के ऊपर उसको देखेंगे, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा उस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे. यस और नो? सो दैट्स व्हाई वी आर अज्यूमिंग यहाँ पे चार प्रोसेसर लिए हैं. ठीक है, इस तरीके से तुम लोग, यहाँ पे मैंने चार लिए हैं, तुम लोग दो भी प्रोसेसर प्रोसेसर ले सकते हो फॉर द एक्सप्लेनेशन, या फिर आठ प्रोसेसर भी ले सकते हो. ठीक है, दो चार आठ, इस तरीके से तुम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. कॉड, ऑक्टा, ये प्रोसेसर रहते हैं ना, तुम लोग खरीदी करते हो जब भी प्रोसेसर, कॉड देखते हो, ऑक्टा देखते हो, इसका मतलब क्या है? फोर है, एट है, कितने कोर है? यस और नो?
अंडरस्टूड द पार्ट, एसआईएमडी प्रोसेस को समझ में आया सबको? गौरव कुमार, किरण, मोहिनी, रवि, शशांक, रिप्लाई दो। यस नाउ अभी लास्ट वाला देखते हैं, एमआईएमडी प्रोसेसर। ठीक है, विथ दिस एमआईएमडी प्रोसेसर, इन कॉन्ट्रास्ट टू एसआईएमडी प्रोसेसर, एमआईएमडी प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम और डिफरेंट प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम है, मतलब इंस्ट्रक्शन डिफरेंट रहेगी। अ वेरिएंट ऑफ दिस कॉल्ड द सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, एसपीएमडी, एग्जीक्यूट द सेम प्रोग्राम ऑन द डिफरेंट प्रोसेसर। नाउ इट इज इजी टू सी दैट एसपीएमडी एंड एमआईएमडी आर क्लोजली रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड अंडरलाइन आर्किटेक्चर सपोर्ट। ठीक है, एसपीएमडी मतलब क्या? सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, है ना, विच इज हैविंग सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। और एमआईएमडी मतलब क्या? तुम्हारा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा। नाउ एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्लेटफॉर्म इंक्लूड द करंट जनरेशन सन अल्ट्रा सर्वर, एसजीआई ओरिजिनल सर्वर। ये कुछ सर्वर के नाम बताए हैं या फिर प्रोसेसर के नाम बताए हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल, वर्क स्टेशन इन क्लस्टर, अगर आईबीएम एसपी लेते हैं तो दीज आर द नेम ऑफ द प्रोसेसर। ओके, तो वी कैन से एमआईएमडी जहां पे वर्क करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट टू एसआईएमडी एंड एमआईएमडी का कंपैरिजन बताया है यहाँ पे। एसआईएमडी कंप्यूटर रिक्वायर्ड अ लेस हार्डवेयर देन एमआईएमडी कंप्यूटर। व्हाई दिस इज सो? डायग्राम अगर देखते हो, व्हाई दिस इज सो? एसआईएमडी कंप्यूटर रिक्वायर्ड लेस हार्डवेयर देन एमआईएमडी कंप्यूटर, क्यों, कोई बता सकता है? डायग्राम तुम लोगों ने देखी थी, डायग्राम दिखाओ एक बार, फिर मुझे इसका एक्सप्लेनेशन करो। ठीक है, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू पीपल। एसआईएमडी को हार्डवेयर, एसआईएमडी कंप्यूटर को हार्डवेयर कम लगते हैं, एमआईएमडी कंप्यूटर को हार्डवेयर ज्यादा लगते हैं। दोनों डायग्राम है तुम्हारे पास और एक्सप्लेन भी, क्यों? एनीवन, श्रुति बता सकते हो? शशांक, श्रुति आर यू देयर? मैम बता सकते हो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड हार्डवेयर ज्यादा एमआईएमडी में? मैम बिकॉज एवरी प्रोसेसर इज हैविंग इट्स ओन कंट्रोल यूनिट. यस, है ना, समझ में आ रहा है सबको? श्रुति ने जो आंसर बताया इट इज करेक्ट, बिकॉज एवरी प्रोसेसर इज हैविंग उसका ओन कंट्रोल यूनिट है, तो इसकी वजह से हार्डवेयर बढ़ेगा ना यहाँ पे। यस, और यहाँ पे हम लोगों का कंट्रोल यूनिट एक ही है, पैरेलल अगर हम लोग ये देखते हैं तो, पैरेलल तो पैरेलल ही प्रोसेस हो रही है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, पर उसको हैंडल करने के लिए एक ही कंट्रोल यूनिट है, बट यहाँ पे पैरेलल हो रही है बट इट इज हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल यूनिट, तो ऑफकोर्स द हार्डवेयर स्ट्रक्चर बढ़ेगा, है ना। सो वी कैन से दैट कंपेरिजन में द एसआईएमडी कंप्यूटर रिक्वायर लेस हार्डवेयर एंड एमआईएमडी कंप्यूटर रिक्वायर्ड, एमआईएमडी कंप्यूटर रिक्वायर्ड मोर हार्डवेयर। ठीक है, हाउएवर सिंस एसआईएमडी प्रोसेसर आर स्पेशली डिजाइन, दे टेंड टू एक्सपेंसिव एंड हैव अ लॉन्ग डिजाइन साइकिल। ठीक है, उसकी जो साइकिल रहती है किसकी? एसआईएमडी प्रोसेसर की, वो लॉन्ग डिजाइन रहती है। ठीक है, साइकिल, साइकिल मतलब क्या? क्लॉक साइकिल। ठीक है, नॉट एप्लीकेशन आर नेचुरली सुटेड टू द एसआईएमडी प्रोसेसर, इन कॉन्ट्रास्ट प्लेटफॉर्म सपोर्ट एसपीएमडी पैराडिगम्स कैन बी बिल्ड फ्रॉम द इनएक्सपेंसिव ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट विद द रिलेटिव लिटिल एफर्ट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एक एक तरीके से, एक अगर हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया तो दूसरे स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली हम लोग कम से कम टाइम में डिजाइन कर सकते हैं इन एसपीएमडी, या फिर यू कैन से एमआईएमडी। एसपीएमडी एंड एमआईएमडी थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एसपीएमडी मतलब क्या? सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, और एमआईएमडी मतलब क्या? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा।
ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ पैरेलल प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ पैरेलल प्लेटफॉर्म। सो देयर आर टू प्राइमरी फॉर्म ऑफ द डेटा एक्सचेंज बिटवीन द पैरेलल टास्क। फर्स्ट एंड वन इज व्हाट, एक्सेसिंग अ शेयर्ड डेटा स्पेस। नोट डाउन दिस इज व्हाट इज देयर, एक्सेसिंग अ शेयर्ड डेटा स्पेस एंड एक्सचेंज मैसेजिंग, ठीक है। सो देयर आर टू प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ डेटा एक्सचेंज। कौन से फॉर्म है? एक तो हम लोग शेयर्ड एड्रेस स्पेस करेंगे, ठीक है, उसी एड्रेस स्पेस में से ही डेटा को एक्सचेंज करेंगे, और दूसरा है एक्सचेंजिंग द मैसेज, ठीक है। नाउ द प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड अ शेयर्ड एड्रेस स्पेस आर कॉल्ड व्हाट इज देयर, शेयर्ड एड्रेस स्पेस मशीन और मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। जो भी स्पेस है, स्पेस मतलब क्या, कॉमन मेमोरी स्पेस जो हम लोग डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज करने वाले हैं। सो इस टाइप की अगर मशीन रहती है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक तो शेयर्ड एड्रेस स्पेस मशीन कहेंगे या फिर मल्टी प्रोसेसर कहेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी प्रोसेसर? मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या है? साइमल्टेनियसली दो तीन प्रोसेसर जो है, मल्टीपल प्रोसेसर एक साथ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे, बट उसकी जो एड्रेस स्पेस रहती है या फिर मेमोरी स्पेस रहती है वो कॉमन रहेगी, ठीक है। द प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट द मैसेजिंग आर कॉल्ड द मैसेज पासिंग प्लेटफॉर्म फॉर मल्टी कंप्यूटर, ठीक है। अब जो हम लोग कहेंगे एक्सचेंज मैसेजिंग, यहाँ पे एक्सचेंज मैसेजिंग के लिए प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, उसको अदर नाम है मल्टी कंप्यूटर, ठीक है। इसको अगर एग्जाम्पल वाइज अगर मैं समझाऊंगी तो इन फर्स्ट केस हम लोग पर्टिकुलर जो प्रोसेसर को डिवाइड कर रहे हैं वो लॉजिकली डिवीजन होगा, ठीक है। बट इन सेकंड केस अगर मैं समझाने जाती हूं तो अलग अलग कंप्यूटर रहेंगे या फिर अलग अलग वर्क स्टेशन रहेंगे टू परफॉर्म अ मैसेज एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड द योर कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ पैरेलल प्लेटफॉर्म। टू वेज से होता है, एक शेयर्ड एड्रेस स्पेस से और दूसरा, हाँ, और एक चीज उसको समझाने के लिए, ये जो हमारा है तो वी कैन से दैट दिस इज व्हाट द लॉजिकली एड्रेस स्पेस डिवाइड हो रही, मतलब प्रोसेसर एक ही है ना, इट इज हैविंग ओनली वन प्रोसेसर, बट उसको हम लोगों ने चार हिस्सों में डिवाइड किया लॉजिकली, है ना। तो वी कैन से दैट इट इज अ शेयर्ड एड्रेस स्पेस, क्योंकि इसकी जो मेमोरी है, जो अभी मेरा सिस्टम है उसकी जो मेमोरी स्पेस है, मेन मेमोरी स्पेस, तो वो हम लोग कॉमनली यूज करें ना। बट अगर सेकंड केस में देखती हूँ एक्सचेंज मैसेजिंग में, यही चीज हमारे क्या हो रही है, कॉल्ड द मैसेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और मल्टी कंप्यूटर, है ना। मल्टी कंप्यूटर मतलब अलग अलग कंप्यूटर यूज करेंगे। समझ में आया कम्युनिकेशन मॉडल? कम्युनिकेशन मॉडल समझ में आया? फिर इसको और डिटेल में कल देखते हैं हम लोग, शेयर्ड एड्रेस स्पेस प्लेटफॉर्म क्या है और दूसरा जो है एक्सचेंज कम्युनिकेशन क्या है। यस, एनी डाउट अप टू दिस वन? किसी को कुछ डाउट है? आफ्ताब, आकिब एंड ऑल ऑफ यू कम ऑन टाइम फॉर द लेक्चर, ठीक है। जितना हो सके उतना टाइम पे आते जाओ, ऐसे नहीं बीच में से आ गए। आज शेयर्ड एड्रेस स्पेस पढ़ना है कि कल ही पढ़ना है? आफ्ताब सिर्फ कनेक्ट होके रहता है क्या? आफ्ताब पठान, आर यू देयर आफ्ताब पठान? आफ्ताब पठान, हर बार उसको कॉल करके पूछना है तो आफ्ताब पठान को, मैम पूछ रहे थे बोलना उसको, मैम है वो है उसका है माइक क्या? खराब है शायद। अच्छा, माइक खराब है। चैट बॉक्स में तो डाल सकता है ना वो आफ्ताब? कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो यू कैन यूज द चैट बॉक्स देयर, ठीक है। सो वी विल सी टुमारो शेयर्ड एड्रेस स्पेस इन डिटेल
एंड उसके बाद एक्सचेंज मैचिंग कंसेप्ट क्या है, डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग NUMA एंड UMA शेयर्ड एड्रेस स्पेस प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज दैट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू. यू कैन लीव द मीटिंग, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर है ना आपका अभी.